डीएनपी में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी और उसके सबसे पुराने साथियों में शामिल शिरोमणि अकाली दल के बीच अटूट रिश्ता आखिरकार टूट गया है। इसकी वजह बना किसानों का मुद्दा। कुछ दिन पहले ही अकाली दल ने संसद में लाए गए कृषि संबंधी विधेयक को लेकर सरकार छोड़ दी थी और अब उसने राजग से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। अकाली दल को अलग होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में शामिल दो प्रमुख दल शिवसेना और अकाली दल अलग हो चुके हैं। अकाली दल के शीर्ष नेता प्रकाश सिंह बादल अधिकांश मौकों पर कहा करते थे कि बीजेपी और अकाली दल का रिश्ता नाखून और मांस के जैसा है, जो कभी अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन अब दोनों दल अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। अकाली दल ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जब किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने विरोध के बावजूद भी संसद में बिल लाने का फैसला किया, तब उसने सरकार छोड़ दी थी। राजग से अलग होने से पहले उन्होंने पार्टी की बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं और किसानों से चर्चा की, उसके बाद फैसला किया। वहीं बीजेपी के लिए अकाली दल का अलग होना इसलिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वह किसानों के मुद्दे पर अलग हुए हैं। किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव को प्रभावित करता है। अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव सामने हैं, तब अकाली दल का किसानों के मुद्दे पर जाना उनके लिए मुसीबत बन सकता है, यानी कि अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि बीजेपी नेता किसानों के बीच तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल, सड़कों पर उतरे किसान समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाने का फैसला किया था, तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडीज की समता पार्टी, जयललिता की अनाद्रमुख, प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना इस संगठन में शामिल हुए थे। समता पार्टी का बाद में नाम बदलकर जेडीयू हो गया। जेडीयू और अनाद्रमुक एक बार एनडीए में शामिल होने के बाद वापस होकर फिर से वापसी कर चुके हैं। शिवसेना अब कांग्रेस के हाथ है। अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने अब तक एनडीए का साथ नहीं छोड़ा था। वहीं अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट करते हुए कहा कि यदि 3 करोड़ पंजाबियों की पीड़ा और विरोध के बावजूद भारत सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है, तो वो एनडीए नहीं है, जिसकी कल्पना वाजपेयी जी और बादल साहब ने की थी। ऐसा संगठन जो अपने सबसे पुराने सहयोगी की बात नहीं सुनता है और पूरे देश का पेट भरने वालों से नजरें फेर लेता है, तो ऐसा गठबंधन पंजाब के हित में नहीं है। जबकि अब अकाली दल के लिए मोदी सरकार के कृषि विधेयक गले की फांस बन चुका है, क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि अगर सरकार के साथ गए तो पंजाब के बड़े वोट बैंक किसानों से उसे हाथ धोना पड़ता। पंजाब के कृषि प्रधान क्षेत्र मालवा में अकाली दल की पकड़ है। अकाली दल को 2022 के विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहे हैं। 2017 से पहले अकाली दल की राज्य में लगातार 2 बार सरकार रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से अकाली दल को महज 15 सीटें मिली थी। ऐसे में 2022 के चुनाव में पहले अकाली दल किसानों के एक बड़े वोट बैंक को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता। लगातार देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए और उनके विश्लेषण को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।